मेरे पास पहली बार हाथ उठा है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। मैं हूँ बिलाल। मैं हूँ जाहिद। तो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रैंक करने वाले और फर्स्ट टाइम शायद मैं करूँ ना प्रैंक। यस, अमन भाई पे मैं करने वाली हूँ एक बहुत खतरनाक प्रैंक। और ये खतरनाक क्या होगा, वो खतरनाक मेरे लिए रहेगा लेकिन मजा आएगी। हाँ, हम लोग प्रैंक ही। मैं भी मारूंगा भाई को। बिलाल भाई इन्वॉल्व है, अरसू भी इन्वॉल्व है, जीशान भी इन्वॉल्व है। सिर्फ ये प्रैंक होने वाला है अमन भाई पे, और वो प्रैंक बताती हूँ आपको क्या है। लिपस्टिक चुरा लिया मैंने आरती दीदी की। नहीं, ये प्रैंक है कि जाहिद भाई ने मुझे मारे थप्पड़। और रीजन क्या है, लिपस्टिक का क्या जरूरत है, वो हाथ पे मेरे लगाएंगे और छापा। हाँ, तो छापा दिखेगा ना थोड़ा निशान। क्या रीजन क्या है अपना? रीजन ये रहेगा कि आरती दीदी ने ना मेरी ना वो गैस नहीं सुनी, पाद नहीं सुनी। yes. काई नहीं सुनी पट। तो गाइस देखते हैं अमन भाई का रिएक्शन क्या होगा उसमें। हम लोग ये प्रैंक को सीरियस ही रखेंगे। खाना आया अपना। चलो पहले निशान बनाते हैं। यहाँ पर मैं भी आ चुका हूँ। क्या लाफा पड़ने वाला है। अरे तो ऐसा कौन जवाब मारो मारो इसको, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा लाइट करना उसको। अरे तो उसको डैप करेंगे ना अपने को। ऐसा डैप करो जाहिद, ऐसा लग रहा बेत से मारे तुमको। मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन अरे थोड़ा ना हाइपर है ना ना आरती, तो वो निशान की तरफ इतना देखेगा नहीं। क्या कर रही है? हाँ, एक नंबर लग रहा है। एक इधर रखो, इधर इधर। मैं तो बोलता हूँ सुन जाहिद भाई, एक मिनट के लिए पकड़ो। तू अमन भाई को लेकर, मैं तो लेकर आया हूँ। तुम्हारे मुंह का हाथ का तो ऐसा बॉर्डर बना था, नहीं सूंघने का ये गंदी बात। अच्छे से सूंघो। अरे सूंघो, नहीं सूंघना है यार भाई। सूंघो भाई, नहीं सूंघना है मेरे को, मत फालतू की तरह। सुनो, मैं बुला दूंगी। अरे यार अबे साहिब क्या कर रहे हैं बे? ये क्या बस बदतमीज है आरती दीदी, सुनने नहीं हो आपको? क्या हुआ ये अमन भाई, निशान भाई जो बुला, क्या हुआ, मारा क्या? हाँ, अरे हाँ मारा बे, हाथ क्यों उठा रहे? वो अमन भाई कॉलर नहीं पकड़ रहा वो निशान भाई। वो देखो क्या बदतमीज है, क्या कर रहा है, क्या हुआ बे भाई? लेकिन हाथ क्यों उठा रहे? क्या हरकत करता है हाथ का निशान देख लाल हो गए क्या है निशान भाई? पहले वहाँ पर जाकर उसको देखो, इसको हम लोग देखते क्या हुआ था, क्या हुआ था? बहुत छोटा इंसिडेंट था। क्या छोटा इंसिडेंट था बताओ जरा। जाहिद भाई मेरे को बोले, मेरे को आज बोला ना ऐसा क्या कर रहे हैं? एक हाथ में लाल हो गई बहुत जोर की बात। ये खा रहे थे लोग, ये खा रहे थे लोग। मेरी प्यारी सी बहन को मारा तूने, ऐसा कर रहे थे बार बार। जाहिद क्या करा मालूम है, ये खाए और पाद दिया और बोल रहे जबरदस्ती सूंघना पड़ेगा। हरकत है वही तो देख, कितना बेकार हो गया। कुछ भी ये खाओ और भूल जा, कुछ हुआ है तेरे साथ, चार पड़े एड़ा हो गया। तुम पहले उसको समझाओ, उसको चुप बिठाओ। मैं नहीं देख सकता भाई, मेरी बेस्ट फ्रेंड को रोते हुए मैं नहीं देख सकता। बोल उसके साथ क्या करूँ, हाथ लगाना नहीं आज के बाद से। बोलते अगर सूखे तो मैं मारूंगा। जाहिद देख ज्यादा करके दिखा रहे, ज्यादा करके। रुको 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 भाई बैठो। मेरी टी शर्ट पहन और ये सब काम करने का रहेगा ना, मेरे कपड़े मत पहने कल। क्या क्या ऐसी बात कर रहे हैं, इतनी सी सड़ी सड़ी सी बात पे तुम लोग का ये सब हुआ है? मगरमच्छ के आंसू है सिर्फ, ज्यादा मत बोल समझा। मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू ज्यादा बोल रहे क्या? बोलते हैं सबको सुनना पड़ेगा, तो मार खाएगा ना ये। एक चश्मा, कौन सी बात है सुनने वाली बात, कौन सी ये सब काम करते हैं? भाई इतना लड़की पे लगना ही वो
बाहर हाथ उठा रहे तो बोलता है जो सूंघेगा नहीं वो इस घर में रहेगा। नहीं, घर का लिहाज करके मैं कुछ बोल रहा नहीं हूँ। इसको लेके मेरे को मार रहे जाओ मारो 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 छमाट मारो उसकी पांच सूखी पड़ेगी। ये लो छमाट मारो ये लो छमाट मारो। अरे मारो क्या मारो मारो मार दिया ऊपर से मारो मारो तुम मारने बोला इसको ही बोल रहा हूँ इतनी तो गोली है भी नहीं लाल हो गई। एक मिनट यू हैव बीन अ बैड बॉय ऐसा लग रहा है ये लाल परछाई ना आरती के मुंह पे आ गई। ये घर में जो भी आएगा उसको मेरी पांच चुगली पड़ेगी वरना वो घर में पांच पूरा ही सूख जाएगा। सुनो अगर है हिम्मत तो उसको सुंघा के दिखाओ। हाँ सुंघा निकलना भी तो अच्छी है अभी उसके सामने आज बोला आज बोला निकलती है अंदर सब आने वाली भी अंदर बुद्ध आती है हमारी भी छह सात निकलो आती नहीं लगी ना पड़ी ना मेरे पास पहली बार हाथ उठाए मैं कभी नहीं भूलू मैं भी नहीं भूल सकता ये बड़ी बहन ने बड़ी बहन पे हाथ उठाता है ऐसा बाल नोच रहे तुम पागल हो क्या बड़ी बहन पे हाथ उठाता है वो क्या बोला क्या बोला क्या बोला गाली दिया छोड़ो अरे अरे नहीं रुक जा अबे क्या कर रहे हैं अमन भाई यार ज्यादा बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है ना ये सब करके। अरे मेरी क्या गलती है ये छोड़ो गाली दे दिया साला गाली भाई को गाली दे रहा है बड़ी बहन यार गाली नहीं दिया दादा नहीं बोलो मैं गाली दिया ही नहीं मैं बस बोला कि मेरे सर के बाल नहीं तो मेरे सर पे भी नहीं आएंगे क्या बोला तेरे सर पे बाल तेरा भी नहीं आने मेरे सर पे बाल नहीं दिख रहे छोड़ नहीं तू भाई क्या इज्जत रह गई है मेरी दोस्तों के रह गई है तुम इधर आओ अरे संभालो उसका मेरा फोन वो इंजर्ड इंसान है मेरा फोन तो आरती दीदी सॉरी ये सॉरी बोला आरती दीदी सॉरी क्यों बोलूं बात सुनना चाहिए था ना फिर सॉरी आरती दीदी सॉरी बोलो सॉरी बोलो तुम बात जब तक नहीं सुनाओगे तब तक सॉरी नहीं बोलोगे अरे यार तुमने बस क्या कर रहे क्या बस एक मिनट इधर कोई बात है बस एक मिनट इधर आओ आने तो एक मिनट इधर आओ डायरेक्ट मशीन गन ही मारो इसके मुंह पर आने तो आने वो क्यों बोल रहे हो अरे समझाने की उसमें तो डायरेक्ट मारना चालू कर रहा पागल हो गए क्या तो गलती में मारेगा ही ना इंसान आपकी गलती अरे लेकिन देखो एक चीज समझ में आना चाहिए डायरेक्ट ऐसे ही मार रहा है मेरे को बस एक चीज समझ में मारने गए मेरे को बस अरे तब क्या फेंक दिया अधिक तेरे पर तब क्या फेंक दिया यार मेरी बात तो सुनो मेरी बात अमन भाई बच्चो बैठो इधर अमन भाई मेरी बात माँ अबे मेरी बात तो सुन अबे बात तो सुन तो घुसड़े हो गए क्या बात तो सुन लड़की को मार दो अरे बात तो सुन टीवी तोड़ेगा मैं मार दूंगा लापा अबे मेरी बात सुन तू मैं तो एक चीज समझ में नहीं आई आरती को उसने छमाड़ मारा तो इसके हाथ पे निशान कैसे आया किसके हाथ पे निशान उसके क्योंकि लाल लाल निशान आएगा ही ना जब छमाड़ मारेगा कैसा आया क्योंकि वो बोल रहा है आप बोल जरा देख लाल लाल निशान आएगा ही ना निशान तो तेरे मुंह पे आना चाहिए और मत तो बता देते ना प्रैंक है और मत भाई तुम इतना हाइपर क्यों हो जाते हो यार आइंदा भाई मारेगा तो जोर जोर की मारेगा कैसा मारेगा बड़ी बहन है उसकी वो प्रैंक करना था तो हाथ साफ हो गया बस मैं अंदर लेटा हूँ आसमान पर आके बोले अरे भाई मार जो बोलो क्या सब सारे प्रैंक ये जब मार दे बोले भाग क्या आ रहा था मेरे को भी बता देते ना मेरे को मैं के लिए बताओ तुम्हारे बजे प्रैंक था ना
चश्मा भी दिलाएंगे 5,000 का चश्मा है वो सऊदी से इम्पोर्ट करवाया था मैंने, वो सोने की चश्मे दी, सोने की। अरे तुम्हें कैसा पता चला? हो गया है अमन भाई पे प्रैंक और मैंने फर्स्ट टाइम गरम गरम हो गया हूँ मैं भाई। तुम ये लाल लाल क्या हुआ तुमको? गुस्सा आ रहा है मेरे को। नहीं मैंने पकड़ लिया था लाल लाल क्या। अरसलान भाई से मेरी हो जाती थी अभी, वो जॉब सर पे कर रहे थे ना। देखो आरती दीदी आप मेरे को चश्मा दी का सॉरी एक ही महीना बढ़े ऐसा कौन देता है फ्लाइंग। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, हमें सब्सक्राइब माय चैनल, सी यू द नेक्स्ट व्लॉग।